आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं तनु पवार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल तनु पवार 1-2-3-4 ब्लॉग्स में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के करीबन 1 बजे से हो रही है और आज आपको ब्लॉग में कुछ खास दिखाया जाएगा। खास का मतलब है कि आज हम आपको दिखाएंगे अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा जमीन जायदाद है हमारी आपको दिखाएंगे हम अभी। तो फिलहाल अभी हम कुछ काम कर रहे हैं तो बताते हैं क्या करें, आ जाइए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ना लंच पैक कर लिया है, तो ये वाला लंच हम लेके जाएंगे मम्मी के लिए खेत में। तो सबसे पहले इसमें मैंने रखा है दाल और अचार। तो मेरी मम्मी तो वहाँ चावल नहीं खाती है इसलिए हम चावल नहीं लेके जा रहे हैं। और ये मैंने इसमें चाय भी पैक करके रख दी है और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ना 5 रोटियाँ बनाई थी, 5 लेके चली जाती हूँ, फिर जितने भी खाएंगे नहीं तो गाय के लिए हो जाएगी। और यहाँ पे है 1 बिस्किट का पैकेट और 1 पानी की बॉटल रखते हैं और फिर चलते हैं अब खेतों की तरफ। तो दोस्तों इसी के साथ हम निकल चुके हैं खेत के लिए और मेरे साथ जाएगी कानी। और कानी में ना पूरे कुमर कुमर चुभ चुके हैं, मेरे पे भी चुभे हैं पर मैं बाद में ही देखूंगी, इनको बाद में निकालूंगी। और यहाँ पे मैं साथ में खाना लेके भी जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा आफत आ रही है, बट बताती हूँ कहाँ जाना है हमने। ओ ऊपर धार दिखाई दे रही है, उधर से ऊपर जाना है अभी हमने, देखते हैं कहाँ है मम्मी। तो हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, बुरी थकी लग रही है हमको, बुरी आफत आ गई माँ कसम, क्या करेगी दोस्तों। तो कानी ना आगे आगे जा रही है, कानी को मैंने आगे आगे लगा रखा है और आप देख सकते हैं कितनी भयंकर घास घास वाला रास्ता हो रखा है दोस्तों, खतरनाक हालत हो रखी है। तो दोस्तों चला नहीं जा रहा, बैठ जाते हैं यहाँ पे और आप देखे होंगे। तो दोस्तों अब थोड़ा सा ही रह रखा है और मैंने ना आप कानी में दे दिया सामान क्योंकि मेरे बस का तो नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे इतनी डल लग रही है, जो देखो कितना गंदा रास्ता बन रखा है। देखो वहाँ पे है तन्नू दीदी की मम्मी, देखो वहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं खेत में और मम्मी भी आ खाने लग गई यहाँ पे खाना, मतलब अभी खाना शुरू करेगी, एक और बोड़ी आ रही है। और कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये जल्दी जल्दी पहले पहले क्यों काट रहे हैं घास, तो उनको बता दें कि अब हमारे घर में कार्य है तो हमें जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। और अगर आप लोग भी हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ घास काटने के लिए आ सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा इस बात में। और हाँ मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दिखाऊँगी आपको, मैं दिखाती हूँ अभी। तो इधर देखिए दोस्तों जो ये सारे खेत है ना इतना, और इसका नीचे वाला खेत, और इधर साइड पूरा हमारा है, और इधर पल्ले छाले साइड भी हमारी बहुत सारी ज़मीन है, किसी को खरीदनी हो तो आ जाना। अगर गांव की इस ज़मीन की कोई वैल्यू होती तो शायद हम कितने अमीर लोग होते ना, पर गांव की ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब अभी तो, मतलब पहले तो थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा अनाज होता था हमारा, बट अब तो कुछ होता ही नहीं है, सब सारी जगह घास ही घास दिखेगा, इसलिए अब तो इनका कोई वो ही नहीं है। अरे यहाँ पर बॉडी भी आ गई है, भूख से अंधड़े लपसा गए हैं और कानी भी कुमर बना रही है अपना, तब तक मैं अभी जरा घास काट लेती हूँ। तो दोस्तों जो हमारी प्रॉपर्टी में घास हो रखा था अब हम इसको काटने लग गए हैं और जल्दी जल्दी काट लेते हैं क्योंकि कहीं बारिश ना हो जाए इस वजह से। तो दोस्तों इधर वाले साइड का हमने पूरा घास काट लिया है और दिन में मैं घास काटती थी, मतलब 8 दिन ही थी, मतलब मैं केवल वीडियो बनाने के लिए दिखाती थी ना तो इतना तो नहीं हो रखा था, पर आज मैंने किया सच में ही काम और मेरा मुंह ऐसा काला हरा हो गया कि क्या ही बताएं दोस्तों, मेरे को बड़ी आफत आ गई। छी वह मम्मी भी लगी हुई है, अभी थोड़ा और काट लेते हैं, देखते हैं कितना कटता है आज, जल्दी कटेगा हमारा ही फायदा है, तो दीदी की सगाई तक हमें गोरा भी होना है ना, इसीलिए हम जल्दी जल्दी काट रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने घास काट लिया है, आधा रह रखा है तो कल काटेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है 4:30 और घर, क्योंकि नीचे ना रास्ता भी पूरा ख़राब होता है हो रखा है, जाते जाते ही 1 घंटा लग जा रहा है, तो अभी हम भी निकलते हैं घर और फिर क्या करेंगे, हाँ घर चलते हैं चलो। तो यहाँ पे हम सामान भी लगने लग गए और मम्मी लगाने लग गई गडोला, तो गडोले में घास केवल मम्मी लेके जाएगी, मेरे बस का नहीं है ले जाना, है ना गानी। तो आप सबके साथ निकलते हैं हम घर की तरफ और आफत आ गई दोस्तों, भरी खतरनाक आफत, नहीं है मेरे बस का, मैंने देख लेनी है मेरे पे सगोर, थोड़ा और घास रखा था तो ये भी लगा रही है मम्मी अपने पे।
दोस्तों मैं और कानी घर पहुंच चुके हैं और मेरी कमर में ना बहुत दिन का पीड़ा होने लग गई और हमारी गाय भी नहीं आई अभी, तो अभी हमें फिर से गाय खोजने के लिए जाना पड़ेगा। जिस दिन काम होता है ना उस दिन और काम पड़ता रहता है, काम होने का नाम ही नहीं लगता है ना कानी। जी हाँ सच कह रहे हैं। तो चलो चलते हैं अब गाय खोजने के लिए। मैं तो जा रही हूँ, बाय गाय। तो दोस्तों इसी के साथ ना सीधे 6 बजे मिल रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही मिली हमारी गाय, बहुत दूर ही जा रखी थी वो आज पता नहीं कहाँ। और अब मैंने ना यहाँ पे सब्जी भी चढ़ा दी है, तो सब्जी में आज हम बना रहे हैं कद्दू की सब्जी। तो मैं खाना बनाती हूँ और इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड, और इस ब्लॉग में इतना ही। कल मिलेंगे नए दिन के साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।